कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? दूध वाला होगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बच्चा? ये बच्चा किसका है? कुत्ते कमीने अपने बच्चे को संभाल। नैंसी, ओ नैंसी, नैंसी उठना यार, नैंसी। क्या हुआ? वो क्या यार, सुबह सुबह उठा दिया। अबे ओ सुबह सुबह 10 बज रहे सुबह के, और तू बता तेरे को क्या हुआ? ये हुआ। अरे कांग्रेचुलेशन, पर कब हुआ? अबे ओ ये मेरा बच्चा नहीं है। कुत्तो कमीनो अपने बच्चे को संभालो, पकड़ इसे। अबे ओ मेरा बच्चा नहीं है, तुम दोनों का बच्चा होगा। कुत्ते कमीने अपने बच्चे को संभालो। अबे ओ मेरा भी बच्चा नहीं है ये, पकड़ो इसे। फिर आखिर ये बच्चा है किसका? अरे होगा यार किसी का, हमें क्या, पुलिस में दे देते, अपने आप संभाल लेंगे। नहीं यार, अगर पुलिस वालों ने इसका ध्यान नहीं रखा तो यार मैं क्या करूं? तुम दोनों में से किसी का होगा ये बच्चा? मेरा तो नहीं है। क्यों, तेरा बंदा नपुंसक है क्या? हाँ है, कर ले क्या करूंगा। और तेरा नपुंसक क्या है ये? तेरा बंदा होगा नाकी पुंसी, मेरा बंदा नहीं है। नाकी पुंसी नहीं होता, नपुंसक होता है। क्या करें? पता नहीं यार, अब ये रो क्यों रहा है? क्योंकि ये लड़का है और लड़के हमेशा रोते हैं। शायद इसे भूख लगी है मेरी तरह। पर इसे खिलाएंगे क्या? पिज़्ज़ा? पागल, 10 महीने का बच्चा है ये, फिर क्या खिलाएंगे? बेबी फूड। तो जाओ लेकर आओ। हम क्यों जाके लाए? इसको रखने का प्लान तेरा था ना, तो तू जाएगी। अरे यार देखो गाइस, ये रहा बेबी फूड, ये हाई इन आयरन कैल्शियम और ये जो भी है विटामिन ए सी डी जो भी होता है, ठीक है? हाँ ये देंगे हम बेबी को। मैं लेकर आई दूध लाई खा ले। पर इसको बनाते कैसे? अरे देख बहुत सिंपल है, इसको बड़ी हंसी आ रही है ना? तू तो लिखता है हर 2 घंटे में खिलाना है बेबी को।
हाँ पर इस पे ये तो नहीं लिखा कि 2 घंटे बाद खिलाना है 2 घंटे पहले, और 2 घंटे से हम इसे खिला ही रहे तो अभी से फिर से खिलाना पड़ेगा क्या? अरे इतने छोटे से पेट में इतना सारा खाना जाता कहाँ है? सुनने का कार्यक्रम मैंने कितनी बार बोला ये गंदे काम करने छोड़ दे। क्या है तेरे पिछवाड़े से आया ना? पर क्यों? यार मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो पता है मैं रात में सोई नहीं थी, और मैं वहां जाके मीटिंग के बीच में बॉस की गोद में सो गई, और उनकी बीवी गुस्सा हो गई और उन्होंने मेरे को जॉब से निकाल दिया। तेरा मूड क्यों ऑफ है? मैं भी कौन सा सो पाई थी रात को और ना पढ़ पाई, आज पेपर में जाके वही सो गई और सारा पेपर छूट गया मेरा। फिर वो क्या हुआ? अरे यार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी, वो बातें कर रहा था, मैं सो गई, वो नाराज होकर चला गया। गाइज यार मेरा ना मूड बहुत खराब है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं लेट आऊंगी। यार इस बच्चे ने तो जीना हराम कर रखा है, रातों की नींद उड़ा दी है। नैन्सी इसका कुछ करना पड़ेगा। सुन एक आइडिया है, तेजू भी अभी घर पे नहीं है, एक काम करते हैं ना इसको कहीं पे छोड़ आते हैं, कोई ना कोई तो ले जाएगा अनाथ समझ के। हाँ ठिकाने लगा देते हैं इसको। चल देख रही गुगु उस बच्चे को गए हुए 1 घंटा हुआ है और तू सुकून देख।
वादियों में आ गए, शांति। हाँ, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। फिर तो बारिश की आवाज आ रही है क्या? हाँ। मतलब बाहर बारिश हो रही है? यार किसी ने उसको उठा लिया होगा ना? हाँ और क्या, इतनी देर तक थोड़ी ना बाहर रहेगा, उठा लिया होगा। पर यार अगर नहीं उठाया होगा तो? चल देख के आते हैं। आप बहुत लकी है कि आपका बच्चा बच गया। अगर थोड़ी सी देर होती ना वो बहुत बीमार हो जाता। ठीक है मैं चलता हूँ। गाइस यहाँ पर हुआ क्या है? गाइस जवाब दो, यहाँ पर हुआ क्या है? देखो वो दरअसल उस बच्चे को हम लोग बाहर छोड़ आए थे और देखो हमें नहीं पता था कि वो बीमार हो जाएगा और वो बारिश में बाहर भीग रहा है। गाइस आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता है तुमने करा क्या है? छोटा सा बच्चा है यार वो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहाँ पर है वो? मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे, तूने ही जीना सिखाया, अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया, हर घड़ी गुजरे तेरी सारी। मेरा बच्चा वापस लेने आया हूँ। हमारा बच्चा? मतलब ये हमारा बच्चा है? नहीं हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। तुम्हारी ममता कहाँ चली गई थी जब तुम हम दोनों को छोड़ के चली गई थी? औरा, देखो मुझे मेरी गलती का एहसास है। हम दोनों कैसे रहे इस बात का तुमको अंदाजा भी नहीं है, और ये बकवास तो मेरे आगे करो भी मत। बेबी ये बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? गाइस ये बच्चे का बाप है। अच्छा ये इसका बाप है, तो ये इसको दरवाजे के आगे क्यों छोड़ कर गया था? तो ये मत भूल कि सिर्फ तू ही इसकी माँ नहीं है, हम तीनों ने मिलके इसको पाला है। पर गाइस मैं उसको नहीं रोक सकती। पर आखिर क्यों? हुआ यूं था कि मैंने तुम्हें प्यार दिया और तुमने मुझे क्या दिया? ये सौरभ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी में अभी करियर बनाना है, बहुत कुछ करना है यार। मैं इस बच्चे के भरोसे अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। तुम समझ क्यों नहीं रही, बच्चे जिंदगी में खुशियां लेके आते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है सौरभ, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। और हाँ, अपना ये बच्चा अपने पास रखना, मुझे नहीं रखना इसको अपने पास। ठीक है, डिवोर्स ही सही। और हाँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखना जानता हूँ। पर तेजो अब हम क्या करेंगे? मतलब बेबी हमारे पास से हमेशा के लिए गया। मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। वो मैं सौरभ का छोटा भाई हूँ। हमारा बेबी तो तुम लोग हमसे छीन चुके हो, अब क्या चाहिए? यार मेरी बात तो सुनो, इन सब में सौरभ की कोई गलती नहीं है। बच्चे की वजह से सौरभ बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि उसका बच्चा एक्सीडेंट में मर गया। मैंने बच्चा असिस्टेंट को दे दिया, फिर वो उसका ख्याल नहीं रख पाई तो उसने बच्चा वापस कर दिया। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने बच्चा तुम्हारे घर के आगे छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, जो तुम लोग कहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम जो भी बोलेंगे तुम वो करोगे? हाँ।
मतलब। अच्छा तो बेबी को माँ की जरूरत तो होगी ना? मतलब? अरे हाँ हाँ ना, टेंशन मत ले, संस्कारी बन के रहना, रह लूंगी। अब तुम लोगों को भड़क मत दो, फोन काटो। मैडम आप कौन? जी मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी। अर्धांगिनी? हाँ भाई सही तो कह रही है, वैसे भी कहना छोटा है, उसे माँ की जरूरत भी है, तो मैं तेरे लिए। मेरी भलाई के बारे में मत सोच, मैंने तुझे माफ नहीं किया, ठीक है? वो सब छोड़ ना भाई, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना, एक दूसरे को जान भी लोगे तुम लोग। चलते हैं। थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते? नहीं, वाहनों को हमेशा धीरे चलाना चाहिए। पांक। आपका फोन बज रहा है। यातायात चलाते टाइम कभी फोन नहीं उठाना चाहिए मैं पूछ रही थी कि कौन सी फिल्म का गाना है। मैंने प्यार किया। क्या? कुछ नहीं। क्या? 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 गुड नाइट। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं समझ गया, इस सारी तुम्हारी प्लानिंग थी। नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे बच्चे से दूर रहो, और वैसे भी मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ, अपने बच्चे को साथ लेके जाऊंगा। सौरभ मत करो ऐसा, सौरभ मेरी बात तो सुनो। सौरभ गए नहीं? नहीं, एक बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया?
हाँ कर दिया मैंने माफ, अब तुम मैं और कियान एक फैमिली की तरह रहेंगे। रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल।